गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ पोजीशनिंग। तो जो भी बचा हुआ पार्ट था पोजीशन से रिलेटेड, उसको आज हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन है हाई फॉलोअर्स। हाई फॉलोअर्स में क्या होता है, हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 90 डिग्री विद द फ्लेक्शन एट द लेवल ऑफ वेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल ऑफ वेस्ट में फ्लेक्शन है और 90 डिग्री पे जो है वेट को एलिवेट किया गया है। और इसका यूजेस किस किस चीज़ में करते हैं हाई फॉलोअर का, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ चॉकिंग। जो चॉकिंग को प्रिवेंट करने, रिस्क अगर होता है कि पेशेंट चॉकिंग कर सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए, उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग दे सकते हैं हाई फॉलोअर पोजीशन। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन, जब हम लोग एनजी ट्यूब जब हम लोग लगाते हैं तो उसके लिए इंट्यूबेशन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। एआरडीएस में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी यूज़ करते हैं, अस्थमा में यूज़ करते हैं, सीओपीडी में यूज़ करते हैं, इम्फाइसिमा में यूज़ करते हैं और प्लूरल इफ्यूजन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन में क्या होता है, इन दिस पोजीशन पेशेंट इज सिटिंग ऑन और साइड ऑफ द बेड विद द ओवरहेड टेबल टू द लीन फॉरवर्ड। पिलो विल बी प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द कंफर्ट लेवल ऑफ द क्लाइंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट को जो सिटिंग पोजीशन है वो देते हैं और उसमें ये टेबल होता है, टेबल के ऊपर पिलो रखते हैं और पिलो के ऊपर हेड रख करके ऐसे डाउन करके पेशेंट बैठा रहता है। इसका यूज किस में होता है, टू रिलीव द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, थोरासेंटेसिस, पेरिकार्डाइटिस पेशेंट, एआरडीएस में होता है, अस्थमा में होता है, सीओपीडी में होता है, इम्फाइजिमा में होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में हम लोग यूज करते हैं प्रोन पोजीशन क्या होता है, पेशेंट इज लाइंग ऑन द एब्डोमिनल विद हेड टर्न टू वन साइड टू प्रमोट कंफर्ट। पिलो कैन बी यूज अंडर द हेड एंड स्मॉल पिलो टावल रोल कैन बी यूज अंडर द एब्डोमिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेट के बल में होकर के पेशेंट सोया हुआ है, इसको पिलो दिया हुआ है यहाँ पे हेड को सपोर्ट के लिए, और टावल या फिर स्मॉल छोटा पिलो जो है पेट के पास एब्डोमेन के पास यूज कर सकते हैं। इसका यूजेस कहाँ क्या होता है, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, रिकवरी पोजीशन आफ्टर द एनेस्थीसिया, टू रिलीव प्रेशर ऑन द बैक एंड कॉकिक्स, रीनल बायोप्सी, रीनल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पोजीशन आफ्टर स्पाइनल सर्जरी एंड द हेमरेडक्टोमी। नेक्स्ट है हमारा लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन जो होता है, पेशेंट पेसिंग ऑन बैक विद द लेग फ्लेस एंड एट हिप एंड नी जॉइंट एंड द लेग आर सपोर्टेड विद लेग रेस्ट एंड स्ट्रैप। पेशेंट जो देख सकते हैं कि सुपाइन पोजीशन में सोए रहते हैं और लेग जो है वो ऊपर की तरफ में होता है, नी जॉइंट से फ्लैक्स होता है और सपोर्ट लेग द रेस्ट स्ट्रैप, ये सपोर्ट किया गया है लेग को। और ये चाइल्ड बर्थ में देते हैं, पेल्विक गायनेकोलॉजी सर्जरी में देते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नी चेस्ट पोजीशन। इसे हम लोग बोलते हैं जीनोपेक्टोरियल पोजीशन भी बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, द पेशेंट रेस्ट ऑन द नी एंड द चेस्ट विद द हेड स्टोन टू वन साइड आर्म एक्सटेंडेड ऑन द बेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो पोजीशन है ये है हमारा नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन में पेशेंट जो है ऐसे इस तरह से लेटा होता है। इसमें किस लिए यूज करते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी में, लंबर लेमिनेक्टोमी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कंटेंट और टारगेट हाई बुक से कुछ भी अगर आप लोगों को पढ़ना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।